This call is now being हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम टेंस मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या, इनको पढ़ने के लिए हमें जो भी निचली कक्षाओं के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं। देखते हैं पिछली क्लास में हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे थे। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने मेनली गुणा या फिर मल्टीप्लीकेशन देखा था कि आखिर दो संख्याओं का, प्राकृतिक या फिर पूर्ण संख्याओं का, हम गुणा यानी कि मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। उससे पहले क्या देखा था हमने, उससे पहले हमने प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के जोड़ देखे थे तथा उनका घटाव देखा था, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने गुणा देखा है। तो चलिए, अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, वह आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उसका आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रिकॉल टेस्ट। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं, यदि प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताब हो तो कुल किताबों की संख्या क्या होगी। देयर आर 324 चिल्ड्रन इन ए क्लास, इफ ईच चिल्ड्रन हैव 5 बुक देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है क्वेश्चन। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दी करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, इसलिए ध्यान से सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में भी कराए गए हैं, जहां पे हमने उदाहरण भी लिया था फूलों की क्यारी वाला। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। 30 सेकंड, 30 सेकंड और वेट कर लें। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। टेन, 10 सेकंड और हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारे पास टोटल कितने बच्चे हैं, 324, और प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताब हैं, तो हमें बताना है कुल कितनी किताब होंगी। तो देखिए, इसे हमने पिछली क्लास में देखा था, इस प्रकार के प्रश्नों को हम गुणा यानी कि मल्टीप्लाई की सहायता से सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। देखिए, एक तरीका तो क्या हो सकता है, जिसे कि मैं मेथड वन कह देता हूँ, या तो हम, हो सकता है कि 324 को, 324 बच्चे हैं तो हम क्या करें, एक बच्चे के पास 15 किताब प्लस दूसरे बच्चे के पास भी 15 किताब प्लस तीसरे बच्चे के पास भी 15 किताब, ऐसे हम इसे कितनी बार जोड़ें, 324 बार, क्योंकि 324 बच्चे हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, गुणा की सहायता से हम इसे आसानी से सॉल्व कर लें। तो चलिए, हम मेथड टू यानी कि गुणा की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो गुणा क्या होगा, 324 बच्चे हैं और एक बच्चे के पास 15 किताब है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 324 गुणा 15, सबसे पहले 5 का गुणा करेंगे इस पूरी संख्या से, तो 5 चौक 20, 20 की 0 हासिल 2, फिर 5 का गुणा 2 से, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 का 2 का हासिल 1, फिर 5 का गुणा 3 से, 5 3 15 और 1 16, फिर देखिए यहाँ आएगा क्रॉस, 1 का गुणा करेंगे अब किससे, पूरी 324 से, इस 1 का गुणा इन सभी अंकों से करेंगे। तो चलिए, 1 का गुणा पहले 4 से करते हैं, 1 गुणा 4 4 आएगा, फिर 1 गुणा 2 2 आएगा, फिर 1 गुणा 3 3 आएगा, और अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या आया, 0, यहाँ पे क्या आया, 4 और 2 6, यहाँ पे क्या आया, 6 और 2 8, यहाँ पे क्या आया, 3 और 1 4, तो इसका मतलब
4860, यानी कि 4860 ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, 4860 हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चे जल्दी से वाई और एन लिख के बताएंगे, सभी बच्चों को समझ में आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो देखिए, यह तो हो गया हमारा रिकॉल टेस्ट, इसका आंसर है ऑप्शन ए 4860। अभी हम प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे, हमने तीन संक्रियाएं पढ़ ली हैं, जोड़ पढ़ लिया है, घटाव पढ़ लिया है और गुणा पढ़ लिया है। आज हम पढ़ते हैं भाग यानी कि डिवीजन। चलिए इसको शुरू करने से पहले सभी बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे किन किन बच्चों को भाग आता है, किन किन बच्चों को भाग अच्छे से आता है। अच्छा चलिए ये नहीं बताना है, एक काम करते हैं ऐसे बताते हैं कि किन किन बच्चों को भाग नहीं आता है, ईमानदारी से एन लिखेंगे। गुड इवनिंग सर, अच्छा गुड इवनिंग, वेरी गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। तन्नू की आईडी से जो स्टूडेंट है अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। आपको पता है जब क्लास स्टार्ट हो जाती है तो अनम्यूट नहीं करते हैं जब तक कि आपका कोई डाउट नहीं है, आगे से आप इस चीज के लिए ध्यान रखेंगे, आप केवल अनम्यूट तभी गुड होंगे। इवनिंग सर। अच्छा तन्नू की आईडी से जो भी स्टूडेंट है अभी आपको निकाला जाएगा क्लास से अगर आपने एक और भी बार अनम्यूट किया तो, ठीक है? और आगे से आपको क्लास में नहीं आने दिया जाएगा यदि आप क्लास के नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो। या सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे किस किस बच्चों को भाग नहीं आते हैं, ईमानदारी से एन लिख सकते हैं, ईमानदारी से एन लिखेंगे वो बच्चे जिनको कि भाग नहीं आते हैं। ठीक है, अच्छा सभी बच्चे, जो भी बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हैं वो सबसे पहली क्लास की आपकी रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी ग्रुप पर, एक बारी वो उसे देखेंगे कि क्लास के क्या क्या नियम होते हैं, क्लास के दौरान किन बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है चलिए, इसका मतलब लगभग लगभग सभी बच्चों को भाग आते हैं। ठीक है वेरी गुड। चलिए तो अभी हम भाग शुरू करते हैं। देखिए भाग को सबसे पहले लिखा किस तरीके से जाता है हम पहले देख लेते हैं। हमने देखा था कि जोड़ जो होता है, जोड़ का चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है, घटाव का चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है, गुणा का चिन्ह कुछ इस तरह से होता है। तो देखिए भाग का चिन्ह कैसे होगा, भाग का चिन्ह कुछ इस तरह से होगा, ठीक है? या फिर कई बार हम इसकी जगह पे बटा भी यूज कर लेते हैं, खाली ये डंडा टाइप का, ठीक है? ऊपर एक संख्या लिखी होगी यहाँ पे और नीचे एक संख्या लिखी गई होगी और बीच में क्या हम एक स्टिक या फिर लाइन टाइप की खींच देते हैं जो कि भाग को ही दर्शाता है। अच्छा जिस भी बच्चे को डिवीजन आता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको भी नहीं आता है या फिर जिनको आता भी है वो ध्यान से यहाँ पे समझेंगे, जिनको आता है उन्हें कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। ठीक है तो देखिए, यदि आपका लिखा जाता है बी में भाग बी डिवाइड बाई ए, यानी कि मान लीजिए कोई संख्या इस तरीके से लिखी हुई है 7/3, तो इसका आखिर मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 7 में जो पहली संख्या लिखी हुई है उसमें हम भाग दे रहे हैं किसका, 3 का। ठीक है तो पहली संख्या में हम भाग दे रहे हैं दूसरी संख्या का, इसे आपको ध्यान रखना है। कई बार बच्चे इसे समझने में गलती कर देते हैं, वह क्या समझते हैं कि 3 में भाग देना है 7 का, जबकि ऐसा नहीं है, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो जब भी आपकी पहली संख्या जो भी लिखी होती है भाग के चिन्ह के पहले उसमें भाग देना होता है, और किसका भाग देना होता है, जो दूसरी संख्या लिखी होती है उसका भाग देना होता है। ठीक है सेम इसी प्रकार से यदि मान लीजिए मैं इस प्रकार से लिखता हूँ 8/ या फिर यह लाइन और नीचे 4, तो इसका मतलब भी सेम ही है कि पहली संख्या में भाग देंगे यानी कि 8 में भाग देंगे किसका, 4 का। तो यह मतलब भाग के चिन्ह का आपको ध्यान रखना है। ठीक है चलिए तो देखिए बी डिवाइड बाई ए लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे ए और बी कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या ना लिख के यहाँ पे ए और बी के द्वारा संख्याओं को दर्शाया गया है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बी और ए के स्थान पर कोई ना कोई संख्या ही लिखी गई होगी। तो देखिए यहाँ b डिवाइड बाई a लिखा है, इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं ऊपर b और नीचे a, और इसका मतलब क्या होता है मैंने अभी आपको बताया कि b में हम भाग देंगे किसका, भाग देंगे a का,
और आप सभी भाग में इतना जानते होंगे कि जिस भी संख्या में भाग दिया जाता है उसे अंदर लिखा जाता है और जिस भी संख्या का भाग दिया जाता है उसे बाहर लिखा जाता है। तो इसलिए ए को बाहर लिखा गया है और बी को अंदर लिखा गया है। ठीक है, अभी देखिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है, भाज्य और भाजक, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविडेंड और डिवाइजर। ठीक है, अभी भाजक क्या होता है, जिस भी संख्या का हमें भाग करना होता है, जिस भी संख्या से हम भाग कर रहे हैं वह हमारा भाजक होगा। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसे याद कैसे रखेंगे, आप देखिए भाजक के एंड में के आ रहा है तो जिसका भाग देंगे, जिसका के एंड में भी क्या आ रहा है, के ही आ रहा है, तो जिसका भाग देंगे वह हमारा डिवाइजर कहलाएगा, यानी कि भाजक कहलाएगा, और जिसमें भाग देंगे वह हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा या फिर डिविडेंड कहलाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखिए बी में हम भाग दे रहे हैं तो बी हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा, जबकि ए हमारा क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा, क्योंकि हम ए का भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो यह दो टर्म अभी है, दो टर्म और आएंगी आगे, वो चार टर्म आपको याद रखनी है, भाज्य भाजक, और आगे आपकी दो टर्म और आएंगी उन्हें भी पढ़ाया जाएगा, वे भी आपको ध्यान रखनी है। उससे पहले चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन आखिर सॉल्व कैसे करने होते हैं, भाग के भाग हम कैसे हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 575 में हमें 8 का भाग देना है, वी हैव टू डिवाइड 575 बाई 8। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जिसमें भाग देना होता है उसे अंदर लिखेंगे, जिसका भाग देना होता है उसे बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो अभी 575 में हम भाग दे रहे हैं 8 का, तो 575 अंदर लिखा है जबकि 8 बाहर लिखा है, तो चलिए भाग देते हैं। भाग देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहला अंक लेंगे भाज्य का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला अंक लिया 5, 5 क्या है, यहाँ पे 5 छोटा है 8 से, तो हम इसमें भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक अंक में भाग नहीं दे सकते हैं तो दूसरा अंक लेंगे, तो इस बार हम दूसरा अंक कौन सा लेंगे, इसके बिल्कुल बगल वाला, तो 5 के बगल में क्या है, 7 है, तो पूरी संख्या हमारी क्या हो गई है, 57। तो क्या अब मैं 57 में भाग दे सकता हूँ 8 का, क्योंकि 57 8 से बड़ा है, तो बिल्कुल मैं 57 में भाग दे सकता हूँ 8 का। तो चलिए कितनी बार दे सकते हैं भाग, एक बार यह देख लेते हैं, 8 का मैं पहाड़ा बोल के देख लेता हूँ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। तो देखिए 57 मेरा कहाँ पे आएगा, 57 मेरा कहीं ना कहीं 56 और 64 के बीच में, यहाँ पे आएगा 57। तो मैं कितनी बार भाग दे सकता हूँ, 56 तक मैं भाग दे सकता हूँ, और 56 मेरा कहाँ पे आ रहा है, 56 मेरा 7 बार आ रहा है, यानी कि 8 7 56, तो 7 बार भाग दूंगा मैं और क्या आएगा, मेरा 56 आएगा। अब देखिए क्या करते हैं, 57 में से मैं 56 घटाऊंगा, 57 माइनस 56, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे क्या हमारे पास कोई और अंक है, और अंक ऊपर बचा हुआ है भाज्य में, तो बिल्कुल अभी हमने 57 तक भाग दिया है, अभी हमारा यह 5 का अंक बचा हुआ है, तो अब हम इस 5 के अंक को भी लाएंगे, इस 5 के अंक को नीचे एज इट इज लाएंगे, तो हमारा क्या हो गया है, 15 हो गया है। तो अब हम दोबारा से भाग देंगे 8 का, तो देखिए 15 इस बार कहीं 8 और 16 के बीच में यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब इसमें कितनी बार भाग जाएगा, केवल एक ही बार भाग जाएगा, 8 एकम 8, तो मैं यहाँ पे भाग देता हूँ 8 एकम 8, फिर 15 में से क्या करेंगे, 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब देखिए 7 है, 7 क्या है, यहाँ पे छोटा है 8 से, तो हम 7 में तो भाग नहीं दे सकते, और यहाँ पे अभी हमारे पास कोई और अंक भी नहीं है जिसे कि हम क्या नीचे लेके आ सकें, तो कोई और अंक भी नहीं है और 7 हमारा छोटा है तो भाग भी नहीं दे सकते, इसीलिए हमारा यह भाग यहीं पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चे जिनको पता होगा वो बोलेंगे कि सर दशमलव की सहायता से हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर पॉइंट की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल देखिए दशमलव या फिर डेसिमल की सहायता से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो भाग हम बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए हम नॉर्मल भाग पढ़ रहे हैं जिसमें कि दशमलव का यूज नहीं कर रहे हैं, तो अभी के लिए हम यही कहेंगे क्योंकि 7 8 से छोटा है इसलिए 7 में भाग नहीं दिया जा सकता है।
तो हमारा क्या आ गया, हमारा जो उत्तर आ गया है वह आ गया है 71, यानी कि 71। 575 में 8 का भाग 71 बार गया है तथा हमारा 7 जो है उसमें शेष रह गया है, क्योंकि 7 हमारा बचा हुआ है, 7 में किसी प्रकार का भाग नहीं गया है, तो हम कह सकते हैं 7 हमारा शेष बचा रह गया है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, क्या सभी बच्चों को भाग समझ में आया, क्या सभी बच्चों को भाग बिल्कुल क्लियर है? भाई उन्हें लिख के बताएंगे ईमानदारी से। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सभी को समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। देखिए अब हम कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स और समझ लेते हैं, जो मैंने पहले बोला था, दो और इंपोर्टेंट टर्म्स होती हैं। पहली होती है भागफल, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वोशन, और दूसरी होती है हमारी शेषफल, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, तो देखिए भागफल क्या होता है, इतनी पूरा भाग करने के बाद हमें जो भी उत्तर प्राप्त होता है, या फिर अगर मैं कहूं इतना भाग की प्रक्रिया को करने के बाद हमें जो भी फल प्राप्त हुआ, फल क्या प्राप्त हुआ है, 71 हमारा यही उत्तर आया है, तो यह हमारा भाग फल कहलाएगा। आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि भाग करने के बाद आखिरकार हमें यह फल प्राप्त हुआ है 71, इसलिए यह भाग फल है 71। ठीक है, शेषफल क्या रहेगा, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, जो भी शेष बच गया है, शेष क्या बचा है, यहाँ पर 7 शेष बच गया है, तो यह हमारा शेषफल कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, जस्ट किसी बच्चे ने हैंड रेस किया है, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक, बहुत बढ़िया। तो देखिए यह चार इंपोर्टेंट टर्म होती हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है, आपको याद रखनी है, सभी भाग में यूज होंगी। भाजक, जिसका भाग दिया जाता है, भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है, भागफल, जो कि भाग करने के बाद हमें प्राप्त होता है वह भागफल होगा, और सर शेषफल जो अवंतिका कि भी आ गई इस ग्रुप में, अवंतिका की क्लास में। अच्छा, रुचिका शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, यस, अभी बताइए क्या कह रहे हैं आप। सर दीपिका हूं मैं, राम निवास फादर नेम। ठीक है, अभिमन्यु सर एक बारी देख लेना। ठीक है, अभी कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। अच्छा, अभी आप पढ़ लीजिए, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, क्लास के बाद में आप अपना नाम SRN वगैरह आपसे ले लिया जाएगा। ओके सर, ठीक है, अभी कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा जब तक कि आपका कोई डाउट नहीं हो, लास्ट क्लास के लास्ट में आपसे सारी डिटेल्स ले ली जाएंगी आप। ठीक है, चलिए, तो यह चारों इंपोर्टेंट चीज होती है, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, और देखिए इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है। क्या रिलेशन होता है, जो आपका भाज्य होता है वह होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि अगर मैं इंग्लिश में कहूं, जो आपका डिविडेंड होता है वह क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर। तो यह आपको याद रखना है, यह काफी बार बहुत काम आता है, तो यह आपको याद रखना है, और आपको यह पता लग पा रहा होगा इसकी अहमियत जब भी है, जबकि आप इन सभी टर्म्स को पहचान पाए कि आखिर भाज्य क्या होगा, भाजक क्या होगा, भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा। यदि आपको यही नहीं पता है कि भाज्य भाजक क्या होंगे, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तब भी यह आपके लिए यूजफुल साबित नहीं होगा, तो इसलिए आपको फॉर्मूले के साथ साथ यह टर्म्स भी याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अभी हम उदाहरण 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे भी मैं ही सॉल्व करता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें देखना है, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2436 डिवाइड बाई 12। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ आखिर इसका मतलब क्या है। 2436 पहली टर्म है, सबसे पहले 2436 दी गई है, तो इसका मतलब इसमें हम भाग देंगे, तो यह हमारी भाग के अंदर आएगी, और बाहर क्या आएगा, बाहर हमारे 12 आएगा, क्योंकि यह हमारे बाद में दिया गया है, दूसरी टर्म है। ठीक है, अभी चलिए बताइए, सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, पहला अंक लेता हूँ भाज्य में से, और हमारा यहाँ पे भाज्य क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, अनम्यूट कोई बच्चा नहीं करेगा, जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे इसमें हमारा भाज्य क्या है। 2436, अच्छा 2436 है या फिर 12 है, जल्दी से, दो दो हमारे पास संख्या है, कमेंट करके बताइए कि भाज्य क्या होगा।
सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। यस, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 2436 हमारा जो है वह भाज्य है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 12 का भाग देता हूं 2436 में। सबसे पहले 2 में कोशिश करूंगा, क्योंकि 2 12 से छोटा है, इसलिए भाग दिया नहीं जा सकता। अभी हम 24 में कोशिश करेंगे। तो देखिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो इसमें कितना बार भाग जाएगा, 2 बार। इसमें 2 बार भाग जाएगा, फिर हम 24 में से 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे देखते हैं, इसके बाद भी कोई अंक है क्या? बिल्कुल, यहाँ पे 3 है, तो सबसे पहले हम 3 को लाएंगे। अच्छा, एक एक करके अंक लाने होते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक साथ सभी अंकों को ले आए या फिर एक से ज्यादा अंकों को ले आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 को लेके आए। अभी हम देखते हैं क्या 3 में 12 का भाग दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 3 भी छोटा है 12 से। तो हम क्या करेंगे, अभी दूसरे अंक को भी लाएंगे, लेकिन दूसरे अंक को लाने से पहले हम क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे। जीरो क्यों लगाई, जब भी हम पहले अंक को लेके आए उसमें हमारा भाग नहीं गया, फिर हम क्या कर रहे हैं, साथ की साथ दूसरे अंक को भी लेकर आ रहे हैं। तो जब भी आप 2 अंकों को एक साथ लेकर आएंगे, आप हमेशा जीरो लगाएंगे भागफल में, ठीक है। तो यहाँ क्या किया, यहाँ 6 को लेके आए, यहाँ पे जीरो लगाई। अभी भाग देते हैं 36 में 12 का, क्योंकि 36 बड़ा है 12 से, तो भाग चला जाएगा। तो कितनी बार भाग जाएगा, 12 3 36, यानी कि 3 बार हमारा पूरा पूरा भाग चला जाएगा। फिर 36 में से 36 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो हमारा उत्तर क्या आया, 203, या फिर 203। यह हमारा क्या हो गया है, यह हमारा हो गया है भागफल। और शेषफल क्या आया, शेषफल हमारा इस बार आया है 0, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या बचा है, 0 हमारा रिमाइंडर हो गया है। तो इस बिल्कुल 203 आपका उत्तर सही है। तो इस प्रकार से आप भाग को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यह एक क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर करना है। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, यदि कक्षा में कुल 25 पेन है और उसे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितना पेन मिलेगा। जल्दी से सॉल्व करेंगे, 30 सेकेंड है आपके पास, 30 सेकेंड। देखिए, आपको मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि भाग का उपयोग हम कहाँ करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि भाग का उपयोग वहां पे किया जाता है जहां भी हमें किन्हीं चीजों को क्या बराबर बांटना होता है। सामान्यतः हम वहीं पर ही भाग का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या बच्चों में पेन बांट रहे हैं बराबर बराबर, तो हम क्या करेंगे, भाग का उपयोग करेंगे। तो देखिए, कुल पेन कितने हैं, 25 पेन है, और मुझे कितने बच्चों में बांट रहे हैं, मुझे 5 बच्चों में बांटने हैं। तो मैं क्या करूंगा, 25 में भाग दूंगा 5 का, पचम 25। तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में कितना पेन आएगा, प्रत्येक बच्चे के हिस्से में 5 पेन आएंगे, ठीक है। बिल्कुल, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। प्रत्येक बच्चे को 5-5 पेन मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें भी अगर मैं देखूं कि भाज्य भाजक भागफल शेषफल वगैरह क्या होंगे, तो देखिए, क्योंकि 5 का भाग दिया है तो 5 क्या हो गया, भाजक हो गया। 25 में भाग दिया है इसलिए यह भाज्य हो गया। 0 हमारा शेष बचा है इसलिए यह शेषफल हो गया। और 5 बार भाग गया है तो यह हमारा भागफल हो गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अभी हम एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि हमने जोड़ गुणा घटाव में भी देखे थे। दो प्राकृत या फिर पूर्ण संख्याओं का विभाजन एक प्राकृत या पूर्ण संख्या होना जरूरी नहीं है। अच्छा, ये कहना क्या चाहते हैं, चलिए एक बार समझते हैं। 0 एक हमारी पूर्ण संख्या है और 3 भी हमारी एक पूर्ण संख्या है। तो 0 में यदि मैं 3 का भाग देता हूं तो 0 ही प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो इस हिसाब से, पहले उदाहरण के हिसाब से, तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि मैं एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या का भाग देता हूं तो मुझे एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। पहले उदाहरण से तो यही निष्कर्ष निकल रहा है। दूसरे उदाहरण से देखते हैं, 3 एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है,
लेकिन 1 पॉइंट इसका भाग जब हम देंगे तो आपका उत्तर जो आएगा वह 1.5 आएगा। अच्छा, यह किस प्रकार से आया यह आपको बाद में बताया जाएगा जबकि हम दशमलव या फिर डेसिमल पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1.5 हमारी एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो इसका मतलब हम यह आवश्यक रूप से नहीं कह सकते या फिर 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि जब एक पूर्ण संख्या का विभाजन दूसरी पूर्ण संख्या से किया जाता है तो हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी, ऐसा होना जरूरी नहीं है, और यही बात आपको यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। चलिए, तो यह तो हो गए हमारे भाग। अच्छा, भाग में एक दो इम्पोर्टेंट बात और होती है, वह आपको ध्यान रखनी है। यदि किसी भी संख्या में, पहला पॉइंट क्या है, यदि किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है, यदि किसी भी संख्या में, मान लीजिए 5 कोई एक संख्या है, यदि उसमें 0 का मैं भाग देता हूं तो यह आपका क्या आता है, अनंत आता है। अच्छा, आप बोलेंगे अनंत क्या होता है सर, तो ये मान लीजिए कि इसमें भाग नहीं दिया जा सकता है, किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं दिया जा सकता है। यदि मैं इसी के उल्टा बोलूं कि किसी यदि किसी भी संख्या का 0 में भाग दिया जाए, यानी कि पहले तो हम क्या कर रहे थे, 0 का भाग दे रहे थे, तो 0 का भाग तो कभी भी नहीं दिया जा सकता। यदि हम 0 में भाग देते हैं तो क्या आएगा, तो हमेशा हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो यह दो पॉइंट है, यह ध्यान रखने हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट आपका 1 के ऊपर है, यानी कि यदि किसी संख्या में हम 1 का भाग देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि मैं 5 में भाग दे रहा हूं 1 का, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे 5 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो यह 3 पॉइंट है भाग से रिलेटेड जो कि आपको याद रखने हैं, नॉर्मली यूज आते रहते हैं, एक तो 0 वाले और एक 1 वाला, ठीक है। चलिए, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको भाग क्लियर है, क्या आपको सभी बच्चों को डिवीजन क्लियर है, अच्छे से समझ में आया, वाई और एन लिख के बताइए। अच्छा, एक बारी मैं दोबारा बता देता हूँ, 0 और 1 वाला, ठीक है। देखिए, 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यदि किसी भी संख्या में हम 0 का भाग देंगे, मान लीजिए 10 है, 10 में अगर मैं 0 का भाग दूंगा, तो देखिए किसी भी बच्चों को ऐसा नहीं करना है कि कहीं 0 से 0 कट जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता है, तो यह एक तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है आपका, यदि किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं, 0 में यदि भाग देते हैं तो हमें हमेशा 0 प्राप्त होगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, यदि किसी संख्या में हम 1 का भाग देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। यह 3ों पॉइंट है, यह आपको याद रखने हैं। अभी समझ में आया, जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया था, हरीश दाहिया की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, अभी क्लियर है आपको, जल्दी से कमेंट में वाई और एन लिख के बताएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको बात क्लियर है तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपको 60 में भाग देना है 4 का। अच्छा, जिन भी बच्चों को नहीं पता है पोल सेक्शन में किस प्रकार से आंसर किया जाता है, जिनकी आज पहली क्लास है, तो देखिए नीचे दाहिने तरफ, नीचे की तरफ दाएं साइड में आपको इस तरीके से 3 डॉट बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, हाथ के निशान के बाद में, इस तरीके से यहाँ पे एक हाथ का निशान बना हुआ होगा, उसके पास में 3 डॉट बने हुए होंगे, आपको सबसे पहले उन पे क्लिक करना है 3 बिंदुओं पे, उसके बाद आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, उनमें लास्ट का ऑप्शन होगा एक्टिविटीज, लास्ट का ऑप्शन होगा एक्टिविटीज, वहां पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको पोल्स दिखेंगे, पोल्स 1 एक्टिव इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी, जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है उस पर क्लिक करें, और नीचे फिर आपको क्या करना है, वोट कर देना है, तो इस तरीके से आप उत्तर कर सकते हैं। ये केवल उन बच्चों के लिए था जो कि आज नए जुड़े हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 60 में भाग 4 का भाग देना है, वी हैव टू डिवाइड। हाँ अच्छा, यदि आपका कोई डाउट है या फिर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
सूरज मेहता की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक नो सर। है, चलिए 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 60 डिवाइड बाय 4, काफी बच्चों के अभी तक आंसर नहीं आए हैं, जल्दी से सॉल्व करें। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। फाइव फोर थ्री टू वन, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 60 में भाग देना है किसका, 4 का। तो यहाँ पे 60 अंदर लिखेंगे भाग के, 4 बाहर लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, भाज्य में से पहला अंक लेंगे, यहाँ पे क्या है, 6 है। 6 क्योंकि 4 से बड़ा है इसलिए भाग दिया जा सकता है। तो कितनी बार भाग जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 6 से ज्यादा हो जा रहा है इसलिए हम 4 में भाग देंगे 4। तो 4 एकम 4, 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर क्योंकि 2 में भाग नहीं दिया जा सकता है 4 का, हम देखेंगे क्या कोई और अंक है हमारे पास, तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास 0 है। तो हम इस 0 को एज इट इज यहाँ पे ले आएंगे और अभी हमारा क्या हो गया, यह हो गया है 20 यानी कि 20। तो अब 20 में भाग देंगे 4 का, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20। तो 5 बार हमारा क्या हो गया है, पूरा पूरा भाग चला गया है। 20 में 20 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो हमारा उत्तर क्या आ गया है, 15 यानी कि 15 हमारा उत्तर आ गया है। अच्छा देखिए एक इम्पोर्टेंट बात, मान लीजिए आपसे कभी भी कुछ इस तरीके से नहीं पूछा जाता है कि आपको भागफल बताना है, शेषफल बताना है, भाजक बताना है या फिर भाज्य बताना है, खाली इस तरीके से क्वेश्चन लिख के दे दिया जाए कि हल करें और आपको 2 संख्याएं दे दी जाए जिनमें से एक का दूसरे में आपको डिवीजन करना है, तो आपको हमेशा भागफल को उत्तर में लिखना होगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा उत्तर था ऑप्शन बी। अभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में ही उत्तर करेंगे, सभी बच्चों को करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 625 में इस बार भाग देना है आपको 25 का, 625 में 25 का भाग देना है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। वेरी गुड, बच्चों के आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छे, 625 डिवाइडेड बाय 25। चलिए 20 सेकंड और वेट कर रहे हैं, काफी कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, काफी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे, काफी कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन है 625 में आपको 25 का भाग देना है, जल्दी से उत्तर करेंगे। 10 10 सेकंड और बचे हैं, 10 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से उत्तर करें अपना। 5 4 3 2 1, टाइम सब। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं वो कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 625 में हम किसका भाग देंगे, 25 का। तो चलिए 625 में क्योंकि भाग देना है तो 625 को अंदर लिखेंगे, 25 को बाहर लिखेंगे। सबसे पहले पहला अंक लेते हैं, पहला अंक क्या है, 6 है, 6 25 से छोटा है तो हम भाग नहीं दे सकते हैं। फिर क्या करेंगे, दूसरा अंक भी लेंगे 62, तो
पूर्णांक हो गए, पूरी संख्या क्या हो गई है 62। 62 क्योंकि 25 से बड़ा है तो हम भाग दे सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं 25 का पहाड़ लिख लेता हूँ। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 25 चौके 100, यही तक ही सफिशियंट है। 62 कहाँ पे आएगा? 62 कहीं ना कहीं 50 और 65 के बीच में आएगा, यहाँ पे 62 आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा कितनी बार भाग जाएगा, 50 तक जाएगा, यानी कि दो बार ही भाग जाएगा। तो 25 दूनी 50, 62 में से 50 को घटाएंगे क्या आएगा, 12 बचेगा। 12 क्या होगा, 12 क्योंकि 25 से छोटा है भाग नहीं दिया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे 5 को उतारेंगे। अभी कितना हो गया, यह है 125। तो 25 पंज कितना होता है, 25 पंज होता है 125। तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा 5 का, 125 में से 125 घटाएंगे 0 बचेगा, और हमारा उत्तर क्या हो गया 25, यानी कि 25 हमारा सही उत्तर होगा, 25 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अच्छा आप देखिए अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आपको एक रिलेशन बताया गया था, भाज्य जो होता है वह क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यह आपका एक रिलेशन बताया गया है आपको। तो इसमें अगर आप रखें अपने मानों को तो आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। यानी कि देखिए भाज्य क्या है, भाज्य हमारा 625 है, यहाँ पर भाजक क्या है 25 आया है, भागफल 25 आया है, शेषफल 0 आया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 25 गुणा 25 करेंगे तो आपको यह किसके बराबर प्राप्त होना चाहिए, 625 के बराबर ही प्राप्त होना चाहिए। आप गुणा करके देख सकते हैं 625 ही प्राप्त होगा। यदि 625 प्राप्त नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपका भाग गलत है, आपको फिर से चेक करना है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है क्या, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चों को क्लियर है, वाई और एन लिख के बताएंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, चलिए यह क्लियर है। तो क्वेश्चन 24 का उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 25 जल्दी से सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें भाग ही दिया गया है, 2310 में भाग देना है 11 का। वी हैव टू डिवाइड 2310 बाय 11। अभी यह सभी बच्चों को सही करना है बिल्कुल, और सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, काफी क्वेश्चन कर लिए हमने भाग पे अभी, तो इसलिए सभी बच्चे जल्दी से करेंगे और सही उत्तर करेंगे। सभी बच्चों को उत्तर करना है, थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें सभी बच्चे, 30 सेकेंड, जल्दी से आंसर करेंगे। काफी बच्चों का आंसर नहीं आए हैं अभी तक, जल्दी से सभी आंसर करें, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और बचे हैं। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर करें। फाइव फोर थ्री टू वन, टाइम सब। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2310 में हमें क्या करना है, 11 का भाग देना है। तो 2310 में हम क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे। तो देखिए सबसे पहले दो पकड़ेंगे, पहला अंक दो में भाग नहीं दिया जा सकता क्योंकि छोटा है, फिर हम क्या करेंगे 23 को लेंगे। 23 में क्या भाग, मैं यहाँ पे 11 का पहाड़ा लिख लेता हूँ, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 33, 11 चौक 44, 11 5 55, इतना ही सफिशियंट है। ठीक है, तो देखिए 23 कहाँ आएगा, 23 यहाँ आएगा 22 के कहीं बाद। तो कितनी बार भाग जाएगा, दो बार भाग जाएगा, 11 दूनी 22, 23 में से 22 घटाया क्या आया, एक बचा, यहाँ पे एक को लेके आए तो यहाँ पे एक आ गया है। तो देखिए क्या हुआ है, 11 एकम 11, और यहाँ पे क्या आ गया है, 11 में से 11 घटाया तो 0 आ गया। तो यह तो हमारा भाग खत्म हो गया है,
लेकिन देखिए जल्दबाजी में आपको 21 उत्तर नहीं करना है, क्योंकि आपका बस शेषफल 0 आ गया है, इसलिए आपको बस 21 उत्तर नहीं करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए यह 0 बाकी है, पूरे भाज्य में भाग नहीं हुआ है अभी भी, यहाँ पे हमारा 0 बाकी है, इसका तो कहीं यूज ही नहीं हुआ है। तो यदि आप अभी हम क्या करेंगे, यदि आप प्रोसेस के थ्रू देखें तो इस 0 को लाना चाहिए, क्योंकि हम 23 को ले आए, 1 में भाग दे दिया, अभी हम क्या करेंगे 0 को लेके आएंगे, अभी हम यहाँ पे 0 को लाएंगे। और आपको अभी बताया है कि यदि किसी संख्या का 0 में भाग दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो यदि हम 0 में भाग देंगे 11 का तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो अभी आपका पूरा भाग कंप्लीट हो गया है, 23 में भी भाग चला गया, 1 में भी और 0 में भी। तो आपको ध्यान देना है आपके पूरे भाज्य में भाग जाना चाहिए। तो आपका उत्तर क्या आया है, 210, 210, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी 210, 210 आपका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन 26 जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 26 भाग का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जल्दी से सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपको भागफल और शेषफल बताना है कि भागफल और शेषफल क्या होगा। में भाग दिया गया है 791 में भाग देना है 6 का, उसमें बताना है भागफल और शेषफल क्या होंगे। जल्दी से सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। ध्यान से देखना है, भागफल शेषफल में गलती नहीं करनी है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। टेन, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम सब। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए 791 में मुझे 6 का भाग देना है, तो चलिए मैं सबसे पहले भाग दे लेता हूँ। 791 में 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, तो इस बार तो पहले ही अंक में चला गया है, 7 में से 6 कटाएंगे तो 1 बचा, फिर यहाँ पे 9 को लेके आएंगे, फिर देखिए कितनी बार भाग जाएगा, 6 तिया 18, फिर 19 में से 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और अभी हमारा भाज्य में क्या बचा हुआ है, 7 कवर हो गया है, 9 हो गया है, 1 बचा हुआ है, तो 1 को नीचे लेके आएंगे, 6 एकम 6, तो 11 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। इसके बाद हमारे पास कोई अंक भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा भाग यही खत्म हो गया है। ठीक है, तो हमारा देखिए क्या आया, शेषफल जो नीचे बचा हुआ है, शेष रह गया है, वह कितना है, 5, और भागफल क्या है हमारा, 131। तो ऑप्शन डी इसका मतलब हमारा सही उत्तर होगा, भागफल 131 और शेषफल हमारा 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन डी। चलिए सभी बच्चे ईमानदारी से कमेंट में बताएंगे आपको भाग क्लियर है क्या, वाई और एन लिख के बताएंगे। यदि किसी भी बच्चे को क्लियर नहीं है, कोई भी डाउट है, तो आप एन लिखेंगे, और सभी बच्चे कमेंट करके पूछेंगे। यस अश्विनी सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? अभी तक सभी बच्चों ने कमेंट नहीं किए हैं, वाई और एन लिख के बताएंगे जल्दी से। 23
देखिए, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बिना झिझके वो एन लिख सकता है या फिर लिख सकती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप सभी के भाग समझ में आ गए हैं, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी हम क्या पढ़ते हैं? देखिए, अभी हमने पढ़े थे पूर्ण संख्याओं पर या फिर प्राकृत संख्याओं पर संक्रियाएं। अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे पूर्णांकों पर संक्रियाएं। अब आप कहेंगे कि सर इनमें क्या डिफरेंस होगा? तो देखिए, जो पूर्ण या फिर प्राकृत संख्याएं थी वह केवल हमारी धनात्मक संख्याएं थी। प्राकृत तो सारी धनात्मक होती है और जो पूर्ण होती है उनमें धनात्मक के साथ जीरो और आ जाता है। तो उनमें सभी हमने अभी तक देखा पॉजिटिव संख्याएं ही थी, किसी में भी नेगेटिव संख्या नहीं आई थी, क्योंकि पूर्ण या फिर प्राकृत संख्याएं हमारी नेगेटिव होती ही नहीं है, सभी पॉजिटिव या जीरो होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारे इंटीजर्स होते हैं इसमें हमारी तीनों प्रकार की संख्याएं आएंगी, नेगेटिव भी आएगी, जीरो भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगी। तो अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से इंटीजर्स पर ऑपरेशंस किए जाते हैं या फिर संक्रियाएं की जाती हैं। चलिए, बस किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या? हैंड रेस किया है किसी बच्चे ने? बालवीर, बालवीर की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, यदि कोई डाउट नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे? गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन। अभी आप कहेंगे कि सर पूर्ण या फिर प्राकृत संख्याओं में तो हमने सबसे पहले जोड़ को पढ़ा था या फिर एडिशन को पढ़ा था। बिल्कुल, उसमें हमने जोड़ घटाव गुणा भाग इस क्रम में पढ़ा था। इसमें हम गुणा को पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि जो जोड़ और घटाव में गुणा का उपयोग आता है वे आप बाद में समझेंगे जब आपको जोड़ और घटाव पढ़ाए जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम गुणा को ही पढ़ेंगे, उसका यूज आपका बाद में आएगा। ठीक है, तो चलिए पूर्णांकों का गुणन हम किस प्रकार से करेंगे? पूर्णांकों का गुणन देखिए हम तीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने जैसा बताया कि पूर्णांक जो होते हैं हमारे वह क्या होते हैं? वह नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। अच्छा देखिए, मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब है देखिए, आगे यह जो लिखा है, यहाँ पे आगे यह जो लिखा है यह माइनस का चिन्ह है यानी कि नेगेटिव, और ये जो वीई लिखा है यह नेगेटिव का वीई है। ठीक है, तो यह नेगेटिव यानी कि यह ऋणात्मक है। ठीक है, बीच में क्या है? बीच में आपकी जीरो है, और फिर आपका यह पॉजिटिव क्या लिखा है? पॉजिटिव मतलब आपका धनात्मक है। ठीक है, तो इसमें तीनों ही प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो देखिए, इसमें काफी अलग अलग केस बन जाते हैं। पहला केस क्या बन सकता है? कि हम दो धनात्मक पूर्णांकों का ही गुणा करें। दूसरा केस क्या बन सकता है? कि हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों का ही गुणा करें। तीसरा क्या बन सकता है? कि हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का ही गुणा करें। अब आप में से बोलेंगे कि सर इसमें तो जीरो का कोई केस ही नहीं बना। तो देखिए, आपको बताया गया था जब भी किसी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे तो उत्तर जीरो ही होगा, तो इसमें तो केस बनना ही नहीं है। तो मेनली हम तीन प्रकार के केस डिस्कस करेंगे, जबकि हम दो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स का गुणा करेंगे, दूसरा क्या है जबकि हम दो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स का गुणा करेंगे, और तीसरा क्या है जबकि हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स का गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें किस प्रकार से गुणा करने हैं, क्या हमारा उत्तर होगा, वह सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा करते हैं सबसे पहले। चलिए, दो धनात्मक पूर्णांक हमें क्या दिए गए हैं? 10 और 5। दोनों के आगे क्योंकि कुछ भी चिन्ह नहीं लगा है, यहाँ पे भी कुछ भी चिन्ह नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब दोनों कैसे हैं? हमारे धनात्मक पूर्णांक या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और इस प्रकार का गुणा तो अभी हम करके ही आए हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में हमने यही तो किया था। सभी हमारे पूर्ण जो भी संख्याएं होती थी प्राकृत या पूर्ण संख्याएं वह धनात्मक ही होती थी, तो हमने दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा करना ही सीखा है वहां पर। चलिए, सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे 10 गुना 5 क्या आएगा, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे 10 × 5 क्या आएगा उत्तर। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से 10 × 5 क्या आएगा। बहुत ही आसान है यह तो।
दस गुना पांच दो आएगा। बीच में चिन्ह देखिए, बीच में भाग का चिन्ह नहीं है, बीच में गुणा का चिन्ह है। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बिल्कुल। तो हमारा क्या आएगा उत्तर? हमारा उत्तर आएगा 10 गुना 5, हम जानते हैं 5 का जब 10 से गुना करेंगे तो 50 उत्तर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा किया जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। और यह हमने देखा भी था, क्योंकि हमने जितनी भी पूर्ण या प्राकृत संख्याओं का गुणा किया था वह सभी धनात्मक ही थी। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी कि हम पॉजिटिव का गुणा जब पॉजिटिव से करेंगे तो हमें क्या? पॉजिटिव संख्या ही प्राप्त होगी। तो यह आपको ध्यान रखना है, यह इम्पोर्टेंट है। वैसे हमने यह पहले भी पढ़ लिया है प्राकृत पूर्ण संख्याओं में, और अभी भी हमने देख लिया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं दो ऋणात्मक पूर्णांकों का यदि गुणा किया जाता है तो किस प्रकार से करेंगे। यानी कि यदि दोनों हमारे जो संख्याएं हैं वह नेगेटिव है तो किस प्रकार से गुणा होगा? तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला हमें दिया गया है -10 गुना -5, यानी कि हमें पहली और दूसरी जो संख्या दी गई है गुणा के लिए वह दोनों ही संख्या क्या दी गई है? ऋणात्मक दी गई है। तो चलिए हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। पहले क्या होती है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का यदि गुणा किया जाता है तो भी हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। यानी कि चाहे दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा करो, चाहे दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करो, हमें एक धनात्मक या फिर पॉजिटिव इंटीजर ही प्राप्त होगा। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, यदि नेगेटिव संख्या का गुणा नेगेटिव संख्या से करेंगे तो भी हमें पॉजिटिव संख्या ही प्राप्त होगी। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे गलती करते हैं, नेगेटिव गुणा नेगेटिव नेगेटिव कर देते हैं, जबकि नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो चलिए -10 गुना -5 का क्या उत्तर होगा, जल्दी से कमेंट में बताएंगे आप सभी। -10 गुना -5 क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताएंगे सभी बच्चे। प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली है, यदि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करेंगे तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए -10 गुना -5 दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है तो हमें क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। अच्छा देखिए, गुणा करने में कोई भी अलग से चेंज नहीं होता है, जैसे आप नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे। पहले 10 का गुणा किससे करेंगे? 5 से, तो 10 5 50 आ गया। फिर इसके बाद आप चिन्ह डिसाइड कर सकते हैं, इसके बाद आप चिन्ह डिसाइड करेंगे। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा। तो इसे आप दो स्टेप में भी तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं। पहली स्टेप क्या होगी कि सबसे पहले आप नॉर्मल गुणा कीजिए, उसके बाद आप चिन्ह डिसाइड कीजिए। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर क्या आएगा? +50। और आपको यह प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। चलिए अभी हम देखते हैं कि यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक का पूर्णांक का गुणा किया जाता है तो क्या होगा। यानी कि यदि एक संख्या हमारी पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या होगा। तो चलिए हमें क्या उदाहरण दिया गया है, इस बार -10 का गुणा करना है 5 से। -10 क्या ऐसा है? नेगेटिव। 5 कैसा है? पॉजिटिव। तो इसका गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा किया जाता है तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। इस बार हमें कैसा प्राप्त होगा? नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, चाहे हम नेगेटिव का गुणा पॉजिटिव से करें या फिर पॉजिटिव का गुणा नेगेटिव से करें, या तो नेगेटिव का पॉजिटिव से गुणा करें या फिर पॉजिटिव का नेगेटिव से गुणा करें, वैसे बात एक ही है, बस घुमा के बोला गया है। तो दोनों ही केस में हमें नेगेटिव संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर आप बताएंगे, -10 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे कमेंट में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, जल्दी से कमेंट में बताएंगे -10 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो देखिए -10 गुणा 5 एक पॉजिटिव संख्या है एक नेगेटिव है, और हमने अभी पढ़ा जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव संख्या का गुणा करते हैं तो हमें एक नेगेटिव संख्या प्राप्त होगी। तो
तो देखिए माइनस 10 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 10 गुणा 5 क्या आया, 50 आया। और चिन्ह को अगर हम डिसाइड करें, यहाँ माइनस है यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, माइनस का गुणा जब प्लस से करेंगे तो हमें माइनस प्राप्त होगा, तो इसका हमारा उत्तर क्या आएगा, -50 इसका हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अभी उदाहरण दो भी देख लेते हैं जल्दी से। 12 का गुणा किससे कर रहे हैं हम, -5 से कर रहे हैं, इसमें क्या था। अच्छा पहले उदाहरण और दूसरे उदाहरण में क्या फर्क है, तो देखिए पहले उदाहरण में पहली संख्या नेगेटिव थी दूसरी पॉजिटिव है, उदाहरण दो में पहली पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, फर्क कुछ नहीं है, बस इसमें नेगेटिव पहली संख्या थी इसमें दूसरी संख्या है। चलिए जल्दी से बताएंगे 12 गुना -5, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे 12 गुना -5 क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो 12 गुना -5 क्या होगा आपका, 12 5 60 होगा, और 12 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को गुणा करने पे आपको नेगेटिव प्राप्त होगा, तो इसका मतलब आ जाएगा -60। ठीक है चलिए एक बार ही देखिए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो भी प्लस आएगा, लेकिन यदि प्लस का गुणा माइनस से करें या फिर माइनस का गुणा प्लस से करें तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो देखिए इसमें हम ध्यान से अगर एक बात देखें तो हम निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं, यदि दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है, यदि समान या फिर सेम चिन्ह है तो प्लस आएगा, यदि चिन्ह असमान या फिर अलग अलग है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए यदि दोनों चिन्हों हमारे क्या है, प्लस प्लस है यहाँ भी समान है और माइनस माइनस है यहाँ भी समान है, तो यदि चिन्ह समान है तो क्या आएगा, प्लस प्लस यानी कि प्लस ही आएगा, और यदि चिन्ह असमान अलग अलग है यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो असमान चिन्ह हो गए, और असमान चिन्ह है तो क्या आएगा, हमारा चिन्ह नेगेटिव आएगा। ठीक है चलिए जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में बताइए क्या आपको पूर्णांकों का गुणा करना आया, क्या आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स क्लियर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, इस पे क्वेश्चंस हम कल करेंगे।